सत श्री अकाल। फास्ट न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज़ दे विच। लखीमपुर खीरी लिए रवाना हो रहे पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू का पटियाला विखे किसानों वालों विरोध किया गया। किसानों वालों सिद्धू के काफिले विच लगे पोस्टर फाड़ दिए गए। लखीमपुर रवाना होने तो पहला नवजोत सिद्धू ने ऐलान किया कि जे मंत्री का बेटा गिरफ्तार ना होया तो कल तो भुख हड़ताल से बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित को इंसाफ का हक है तो इंसाफ लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप विधायकों का वफद वेदांता विखे खेत नेता तेजिंदर सिंह विरक नूं मिलिया जो लखीमपुर के विरोध प्रदर्शन दौरान जख्मी हुए सन। इस मौके आप दे आगुआं ने उन्हां दे नाल मुलाकात की ते आम आदमी पार्टी की तरफों हर संभव सहायता देने का वादा किया। चीफ खालसा दीवान वालों यूपी के लखीमपुर विच होए किसानां ते हमले विच मारे गए किसानों नूं श्रद्धांजलि देने लई एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके प्रधान निर्मल सिंह सुरेंद्र सिंह कथू नंगल डॉक्टर निजर प्रदीप वालिया मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर विच एक बार फिर अतवादियों की घिनौनी हरकत सामने आई है। अतवादियों ने एक स्कूल नूं निशाना बनाया जिथे एक प्रिंसीपल ते अध्यापक नूं गोली मार के उसका कतल कर दिया गया। दोहां नूं हस्पताल लिजाया गया पर उन्हां दी मौत हो गई है। मिली जानकारी मुताबिक यह घटना श्रीनगर के ईदगाह संगम इलाके के एक सरकारी स्कूल च वापरी जिथे अतवादियों वालों इस घिनौनी वारदात नूं अंजाम दिता गया। दलितों से इतराज योग टिप्पणी करने के मामले को लेकर युवराज सिंह हांसी पुलिस सामने पेश होना पवेगा जिसके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए ने। दस दिए कि गिरफ्तारी तो बचने लिए युवराज ने पटीशन पाई सी। यह भी दस दिए कि लाइव चैट दौरान युवराज ने दलितों से टिप्पणी की सी। पंजाब सरकार विच साबका मंत्री रहे जथेदार सेवा सिंह सेखवा का देर शाम देहांत हो गया। जथेदार सेवा सिंह सेखवा लंबे समय तो बीमार चल रहे सन। सेवा सिंह सेखवा के देहांत बारे जानकारी मिलते ही गुरदासपुर के पिंड सेखवा विखे समर्थकों विच सोक की लहर दौड़ गई। स्वर्गवासी सेवा सिंह सेखवा के पिंड की रिहायश विखे सेखवा नूं चाहुण वाले दुख जाहिर करन लगातार पहुंचते नजर आ रहे ने। सेवा सिंह सेखवा के सपुत्र जगरूप सिंह सेखवा ने जथेदार सेवा सिंह सेखवा के जीवन से झात पाउंदिया दस्सिया कि पंजाब के माझा इलाके विच सेवा सिंह सेखवा का एक वड्डा सियासी नाम रहा। टकसाली अकाली परिवार नाल संबंधित सेखवा पिछले काफी समय तो अकाली दल तो बागी होकर श्रोमणी अकाली दल टकसाली ते फिर अकाली दल संयुक्त विच शामिल हो चुके ने। सेखवा पहली बार 1997 विच श्रोमणी अकाली दल दे कानूवान विधानसभा हलके तो विधायक बने। उन्होंने दस्सिया कि अज दोपहर 2 बजे उन्हों का जद्दी पिंड सेखवा विच उन्हों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एलनाबाद सीट तो गोविंद कांडा से दा खेडिया जिसके तहत गोविंद कांडा ने अपने नामजदगी पत्र दाखिल किए ने। कांडा की नामजदगी पत्र देने समय कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। दस दिए कि किसानों ने कांडा के विरोध की भी चेतावनी दी है। लग्जरी क्रूज ड्रग्स से रेव पार्टी मामले में शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में रखा गया पर इस दौरान आर्यन को सब सहूलत मुहैया करवाई जा रही ने। आर्यन दियां जिन्नियां भी तस्वीरां सामने आई ने उन्हां च ओह वख-वख ते फैंसी जैकेट च विखाई दे रहे ने। रिपोर्टां अनुसार आर्यन दे भोजन दा भी खास ध्यान रख्या जा रहा है। असल च एनसीबी ने आर्यन दे कहण ते उस नूं किताबां तां मुहैया करवाईआं ने। इस दे नाल ही उस लई मुंबई दे इक सब तों वधिया इस दे नाल ही उस लई मुंबई दे इक सब तों प्रसिद्ध रेस्टोरेंट तों बिरयानी भी मंगाई। हिंदू धर्म च नरात्यां दा खास महत्व है। पंचांग मुताबिक शारद नराते दा त्यौहार अज तों शुरू हो चुका है ते इहदी समाप्ति 15 अक्टूबर नूं होएगी। नरात्यां दे शुभ मौके ते पंजाब कांग्रेस दे प्रधान तों इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने वधाई दित्ती है। घर च बीजी खेतरी ते मां दुर्गा की पूजा करते हुए तस्वीरां सांझी करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा कि देवी नव दुर्गा की पवित्र खेतरी मेरे जद्दी घर च दिव्य माता दे चरणां च हाथ जोड़ नवरात्रियां की वधाई देंदे हुए महाराजा अगर सिंह जयंती की भी वधाई दी। सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसकों लिए खुशखबरी है। सिद्धू मूसेवाला की डेब्यू फिल्म मूसा जट कल यानी कि 8 अक्टूबर को रिलीज हो जा रही है। दस दिए कि पहला यह फिल्म 1 अक्टूबर को रिलीज होनी सी पर इस फिल्म को सेंसर बोर्ड वालों मंजूरी नहीं मिली जिसके चलते विदेशों में यह फिल्म 1 अक्टूबर को रिलीज होगी पर भारत इसकी रिलीज डेट मुलतवी हो गई है। फिल्म बैन होने मगरों सिद्धू मूसेवाला ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट भी साझी की जिस उन्होंने अपने मन की पड़ास कढ़ी सी। उत्थे हुण फिल्म की रिलीज डेट सामने आने मगरों सिद्धू के प्रशंसक बेहद खुश ने। पंजाब सरकार वालों नशे के खिलाफ चलाई मुहिम के तहत पुलिस विभाग के प्रशासन में लगातार शिकंजा कसिया जा रहा है। इस दे तहत जिला गुरदासपुर के वख-वख पिंडां विच आबकारी विभाग वालों रेड की जा रही है ते अधिकारियों का कहना है
कि वड्डी मात्रा विच देसी शराब ते लान पिंडा चो जब्त की गई है। उथे गुरदासपुर दे पिंड चानेवाल चुडेड दौरान एक्साइज विभाग के अधिकारियों नू शमशान घर के अंदर बने कमरे चो 50-50 देसी ड्रम लान दे बरामद होए ने। उथे ही उकत विभाग वालों पुलिस नू इस बाबत जांच की सिफारिश की गई है। पुत्रां दे दानी धन धन बाबा बुड्ढा साहिब जी का सालाना 3 रोजा मेला बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल तरन तारण के इतिहासिक कस्बा बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब विखे शुरू हो गया। इस मौके दूरों दूरों संगतां वल्लों बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब विखे पहुंच के नतमस्तक होया जा रहा है। उत्थे ही माझी दिसो सब तो वड्डे मेले दौरान जगह जगह गुरु के लंगर लगाए जा रहे हैं। इसे लड़ी तहत भाई निशान सिंह, भाई प्रतपाल सिंह मार्बल वाले ते गुरु की वडाली की समूह संगत वल्लों लंगर भंडारे का आयोजन किया गया, जिस विच देसी घ्यो दे तरह तरह के पकवानों का लंगर लगाया गया। जिला पुलिस मुखी त्रुमन एच निंबले वालों मोगा शहर समेत पूरे जिले के होटलों में चलते कथित देवपार के धंधे को रोकने लिए 3 पुलिस टीम बना के रेड की गई, जिस विच पता लग्या कि पुलिस वालों वख-वख होटलों चो जोड़ियां नू हिरासत में लैके पूछगिछ की गई है। जिक्रयोग है कि जिला पुलिस मुखी नू शिकायत मिली सी कि जिले भर के कुछ होटलों में कथित तौर पर देव व्यापार का धंधा जोर शोर चल रहा है। जेकर पुलिस वालों रेड मारी जाए तो इस मामले अंदर छुपिया सच सामने आ सकता है। जिन्हों वालों एको समय मोगा के फिरोजपुर से लुधियाना रोड स्थित होटलों से छापेमारी की गई, जदों की मोगा शहर के मुख्य बाजार समेत जिले न संबंधित होरना कस्बों के होटलों से भी रेड मारी गई है। पुलिस वालों छापेमारी मुहिम लगातार जारी रखी गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के गुरुद्वारा करते परवान विच तालिबानी अतवादियों वालों हथियारों समेत दाखिल होकर की गई भनतोड़ की श्रोमणी कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने सख्त शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अंदर बने मौजूदा हालात करके उथे वसद सिखा दशकों में निरंतर वाधा हो रहा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने दावा किया है कि वह नंगे पैर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो माफी मंगणगे ते आप विच शामिल हो जाएंगे, बशर्ते वह दिल्ली विच अपने 7 साल के कार्यकाल विच 1 लाख नौकरियां देना साबित कर दें। डॉक्टर वेरका ने कैबिनेट मंत्री बनने तो बाद जलंधर के अपने पहले दौरे दौरान स्थानक सर्कट हाउस विच प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि केजरीवाल पंजाब आके दिल्ली विच 20 लाख नौकरियां देने का झूठा दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई भी नवी पार्टी नहीं बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की जा रही है। सूत्रों मुताबिक कैप्टन के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ते खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नाल भी मुलाकात दे चर्चे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों दी मंगां दे हल संबंधी मीटिंग च गलबात कर सकते ने। कैप्टन अमरिंदर वालों इस मौके लखीमपुर खीरी घटना बारे भी विचार चर्चा किए जाने के आसार ने। दसनयोग है कि कैप्टन पहले स्पष्ट कर चुके ने कि वो कांग्रेस च नहीं जाणगे ते भाजपा विच भी शामिल नहीं होणगे। थाना भादसों अधीन आउंदे पिंड हलोताली दे एक नौजवान का बेरहमी नाल कतल किए जाण दा समाचार है। जानकारी मुताबिक हलोताली दा नौजवान सुखचैन दास पुत्र जगदीश दास साबका सरपंच प्राइवेट नौकरी करदा सी, जदों रात दे समय नौकरी तो घर वापस अपने पिंड आ रहा था। सुद्देवाल चोई नजदीक कुछ अणपछाते व्यक्तियों वालों तलवारां दे नाल हमला करके उसका कतल कर दिया गया। हमलावर उसका मोटरसाइकिल खो के फरार हो गए। इस घटना तो बाद इलाके विच खौफ का माहौल है। फिलहाल थाना भादसों वालों मृतक की देह नूं कब्जे विच लैके पोस्टमार्टम लई सिविल हस्पताल नाभा विखे भेज दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं संविधानिक अहुदे ते रहिंदे होए 20 साल पूरे हो गए ने। अज ही दे दिन 7 अक्टूबर 2021 उन्होंने पहली बार गुजरात दे मुख्यमंत्री दे अहुदे दी सहुं चुकी सी। पहला गुजरात दे मुख्यमंत्री ते उस तो बाद दुनिया दे सब तो वड्डे लोकतंत्रिक दे मुख सेवक दे रूप विच 20 सालां दी उन्हां दी मानमती लोक सेवा दी यात्रा निराशा दे माहौल चो देश नूं कढ के विश्व गुरु दे अहुदे वल वधाउण दी रही है। उन्होंने एक कर्मयोगी दे रूप विच देश दे जन जन नूं न्यू इंडिया दे विजन नूं साकार करन दा आत्म विश्वास दित्ता है। लखीमपुर की घटना से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। अदालत में इस मामले की अज सुनवाई है। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लेकर लगातार मांग उठ रही है। लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन दौरान हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई सी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के थाना देवा खेतर के दे पिंड बबूरी नेड़े वॉल्वो बस और ट्रक विचाले भयानक टक्कर च बस सवार 9 लोगों की मौत हो गई है, जदों कि 27 जख्मी हुए ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे से दुख जाहिर करते हुए मृतकों के परिवारों नूं 2-2 लाख रुपए से जख्मियों नूं 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। पंजाब कांग्रेस वालों आज कड़े जाने वाले लखीमपुर मार्च के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस वालों जीरकपुर जाते राह बंद कर दिया गया।
आवाजाई सुचारू ढंग चलाउण लई ट्रैफिक पुलिस नूं इह रूट डाइवर्ट करने पए ने। इस संबंध विच अज पंजाब भर तों वड्डी गिणती विच लोक जीरकपुर बनूर सड़क ते एयरपोर्ट चौंक दे कोल पहुंचने शुरू हो गए। 1950 तो बाद पादरी वर्ग अते गिरजाघर दे होरना अहुदेदारां वल्लों 3.5 लाख दे लगभग बच्चियां नाल सैक्स शोषण ते पॉप फ्रांसिस ने शर्मिंदगी प्रगटाई है। पॉप ने वैटिकन विखे अपने नियमित दर्शक वार्ता दौरान कहा है कि मंदेभागी यह बहुत वड्डी गिनती है, पीड़ता ने जो दर्द ते सदमे बर्दाश्त कीते उस ते मैं दुख प्रगटाउंदा, यह मेरे लिए शर्म वाली गल है, साडे सब लई वी शर्मिंदा होण वाली गल है, गिरजाघर दी असमर्थ है। उन्हां सब बिशप ते धार्मिक नेतावां नूं अपील की कि सब लोड़ींदे कदम चुके जान तां जो इस तरह दी घटनावां मुड़ तो ना वापरन। पाकिस्तान दे बलूचिस्तान विच तड़के आए 5.9 तीव्रता दे भूचाल विच घट तो घट 20 लोकां दी मौत हो गई है, 300 तो ज्यादा लोग जख्मी होए ने। एक खबर दे अनुसार आफत प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या हजे होर बढ़ सकती है। भूचाल विज्ञान केंद्र मुताबिक भूचाल का केंद्र हरनाई विच 15 किलोमीटर की डूंघाई ते सी। चाल दे बाद लोग सड़कां ते नजर आ रहे ने। शुरुआती झटके तड़के 3:20 ते महसूस होए, जिस तों घबराए लोग घरां विचों बाहर निकल आए। इस दे नाल ही खबरों का सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्नवाद।